मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर सोनाई शेख एंड टुडे विल बी प्रेजेंटिंग विद द टॉपिक ऑफ यूजिंग नॉलेज मैनेजमेंट टू सेफगार्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज यूजिंग नॉलेज मैनेजमेंट टू सेफगार्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नाउ वी ऑल हैव अंडरस्टूड दैट इज व्हाट इज एन नॉलेज मैनेजमेंट। ओके, हम सभी को पता है कि नॉलेज मैनेजमेंट किसे कहते हैं। अब तक तो हमारे इसमें क्लियर हो गया होगा। अब तक जो है हमने जब नॉलेज मैनेजमेंट पढ़ा, ओके, तो उसमें हमने क्लियर कर लिया कि कितने टाइप्स ऑफ नॉलेज होते हैं, नॉलेज कैसे हम नॉलेज को हम कैसे गेन करते हैं। सो दीज वर द थिंग्स विच वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू see about the knowledge management, okay, and how is this knowledge management is used in order to safeguard the intellectual property. Okay, so intellectual property is whatever the innovations or whatever the creations, ye jo bhi cheeze hain ya kisi tarike ka literary work hai, these are all coming under the portion of the intellectual property. So today we are going to talk in terms of how this knowledge management is being used in order to safeguard this kind of intellectual property. Okay, so nowadays we know that is internet is one of the best platform. Okay, internet jo hai aapko, aap jab internet pe jab kisi bhi tarike ka search marte ho, ओके, चाहे वो कितने से पुराना क्यों ना चीज़ें हो जाए, ओके, एवरीथिंग इज़ बीइंग अवेलेबल इन एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और इन एन इंटरनेट फॉर्म। ओके, सो इट मे बी फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग। ओके, यानी कि हर चीज़ को जो है अब सेव किया जा रहा है, हर चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। एंड the internet is one of the best platform, okay, which is being used for sharing number of documents and other materials. So whatever documents are there or whatever records are there, okay, these are all being stored on the central server or on the internet. Okay, so the thing is that is now the question comes over here, that is hum to save to kar lete hain, okay, we are all storing it in the form of a documents, but how is it to be taken care of, or I mean to say that is what kind of a security has to be provided up. Okay, isko kaise hum isko protect kaise kis tarike se kar sakte hain, क्योंकि अगर मान लो प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो देर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट इज दीज काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मे बी गोइंग टू सम रॉन्ग पीपल, आई मीन टू से दैट इज इट मे बी स्टोलन इफ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन आर नॉट बीइंग गिवन अप। ओके, तो अब यहाँ पे ये होती है कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है, सो नॉलेज मैनेजमेंट जो सिस्टम है, दे आर हेल्पिंग आउट इन प्रिजर्विंग दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, यानी कि जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटाज हैं फ्रॉम वी से देर इज अ अनवांटेड अटेंशन, यानी जो कॉन्फिडेंशियल डेटाज हैं या जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको वो सेव करने में मदद करता है, और वी से देर इज इट्स हेल्पिंग अप। ओके, so okay, now we come get on to the next slide. So this is what knowledge management, or this is how the whatever the intellectual property is there. Okay, this is how jo bhi aap documents preserve karte ho ya jo bhi documents aap upload karte ho iske is tarike se security rakha jata hai. Okay, bahut baar aisa hota hai ki प्रॉपर नॉलेज, आई मीन टू से दैट इज़ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉलेज नहीं होने के वजह से चीज़ें जो है वो
किसी दूसरे या जो गलत इंसान है उसके पास वो चले जाता है. सो इट इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, इट इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. ओके नाउ व्हाट इज़ दिस, मैंने इसलिए आपको बताया इंटरनेट, बिकॉज अब इंटरनेट में क्या हो रहा है, दैट इज़ इंटरनेट के थ्रू से भी बहुत सारे पासवर्ड प्रोटेक्शंस है या कुछ एनक्रिप्टेड डेटाज होते हैं, ठीक है ना. तो वो एनक्रिप्टेड डेटा जब तक सही पर्सन नहीं होंगे तब तक उन तक वो चीज़ें शेयर नहीं की जाती है. सो दिस इज़ बीइंग पॉसिबल विद द ओनली विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट. ठीक है, हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ें अगर लेट्स से दैट इज़ आपको किसी भी चीज़ की अगर इंफॉर्मेशन होती है, आई मीन किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ओके तो आप सीधा आप क्या करते हो, आप इंटरनेट पे लॉगिन करते हो. ओके अब जब इंटरनेट पे आप जब लॉगिन करोगे तो आपसे शुरू में ही पासवर्ड या किसी भी तरीके का फिंगरप्रिंट आपसे मांगता है. ओके व्हाई दिस आर द थिंग्स, ये क्यों किया जाता है, सो दैट द थिंग्स आर नॉट मूविंग टू द रॉन्ग हैंड्स ऑफ द पीपल. यानी कि जो उसके लिए जो भी पर्सन उसके लिए है, ओके जो इंफॉर्मेशन जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए चाहिए वो उन्हीं के लिए मिलेगा, इट्स नॉट गोइंग टू गो टू समबडी एल्स. ओके सो व्हाई दिस इज नेसेसरी, अनदर रीजन इज दैट इज द पीपल एक्चुअली दे डोंट नाउ सी वन मोर थिंग इज दैट इज जब ये चीज़ें प्रोटेक्शन तो एक बात हो गई, दूसरी बात ये भी हो जाती है कि जो भी आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपलोड किया है, ठीक है ना, इस इंफॉर्मेशंस को भी जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की अगर ज़रूरत होती है तो वो उसको डाउनलोड कर सकता है या वो उसको एक्सेस कर सकता है. तो इसके पीछे भी जो है ना नॉलेज मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है. ओके सी नाउ नाउ इट इज़ वॉट एवर यू नीड, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, ओके लेट्स से दैट इज इफ आई से लेट्स से दैट इज यू नीड टू स्टडी सम ऑफ द रिसर्च पेपर्स. ओके कोई रिसर्च पेपर आपको, कोई मेडिसिन के ऊपर कुछ रिसर्च पेपर बनी हुई है और उसके रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का जानकारी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च मारोगे एंड यू विल गेट सो मेनी काइंड ऑफ जर्नल्स, ओके विच ऑन विच द रिसर्च फॉर दैट पर्टिकुलर मेडिसिन वर बीइंग डन. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू एक्सेस दोज इन्फॉर्मेशन. नाउ द थिंग इज दैट इज ये डॉक्यूमेंट्स किसी ने अपलोड किए थे इसीलिए हमें आज मिल पा रहा है, अगर नहीं मिलता, अगर नहीं अपलोड किए होते तो नहीं हो सकता था. तो क्या हो रहा है इसमें, सी एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इंटरनेट के मदद के थ्रू से ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो किया जा रहा है. ओके सो दिस इज हाउ यू नो दैट इज द नॉलेज मैनेजमेंट इज बीइंग डन टू सेफगार्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एक और एक चीज़ मैं आप जैसे आपको बताता हूँ, लेट्स से दैट इज आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, लेट्स से अगर आपको कोई पुराने गाने अगर सुनना है, आपको यू वॉन्ट टू लिसन टू सम ओल्ड म्यूजिक. ओके अगर आपको कोई पुराने गाने अगर आपको सुनने हैं तो बहुत रेयरली अगर आप दुकान में जाओगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी, बट अगर आप इंटरनेट से अगर आप देखते हो तुरंत आपको एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ें हैं भी है या नहीं है. ओके या अगर नहीं भी है तो आप उसको कहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, इसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है. सो 99% जो है वो इंटरनेट पे मिल ही जाता है आज के टाइम पे. सो दिस इज़ हाउ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, के द नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. ओके अच्छा नाउ द थिंग इज दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड्स इज टेल्स अप दैट इज एक सबसे अगर टफ अगर जॉब अगर कोई चीज़ें है ना तो आज के टाइम पे वो है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैनेज करना. ओके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को जो उसको मैनेज करना वो सबसे बड़ा एक सबसे टफ जॉब है.
ओके सो मैंने तो आपको एक लिटरेरी वर्क्स के बारे में बताया, वैसे ही आप कोई भी चीज़ को अगर आप देखो, ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर हम देखें, एक पर्सन भी हो जाते हैं. देर आर डिफरेंट पीपल ऑल्सो हु आर ऑल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पर्सन है, वो अभी रिटायर हो गया, 30 साल की उसने नौकरी की है, और नौकरी करने के बाद उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, वो उसे चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अपलोड किया जाता है. आजकल तो सब चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में, सो दैट इज़ बीइंग अपलोडेड अप. नाउ द मोमेंट द पर्सन ही रिक्वायर्स अप दोज काइंड ऑफ लेट्स से दोज काइंड ऑफ डिटेल्स और दोज काइंड ऑफ अ बेनिफिट, ओके, क्या होगा, तुरंत जो भी पर्सन है जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसको वो इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से वो रेडिली उसको एक्सेस कर सकता है. ओके, सो दिस इज़ हाउ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग इज वी हैव, दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज बीइंग सेव्ड अप. ओके, तो जब हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी पूरा का पूरा जो बोलते हैं ना, जन्म कुंडली जो है ना, वो आप निकाल सकते हो. ओके, सो थ्रू द हेल्प ऑफ द, ये तो ये क्या है, ये बेसिकली ये भी एक पार्ट है, एक नॉलेज मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, एक नॉलेज मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है. नाउ यू नो दैट इज, लेट्स से दैट इज, इफ आई से दैट इज, आपको किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए, द गवर्नमेंट इज हैविंग द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ यू. ओके, अगर आपको किसी भी, अगर मान लो कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट को चाहिए, तो गवर्नमेंट के पास पूरा रेडिली एक्सेसिबल एवरीथिंग इज देयर. सो ये क्या हो रहा है, दिस इज ऑल्सो अगेन अ काइंड ऑफ अ नॉलेज मैनेजमेंट ओनली. नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन हो रहा है, आप हो रहे हो. सिमिलरली द कंपनीज और द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो यूजिंग द सेम काइंड ऑफ सिस्टम्स इन सेफ गार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, और ये जो चीज़ें हैं ये आपको फिंगर टिप्स में है, आई मीन टू से दैट इज आपको ऑटोमेटेड मैनर्स में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी. ओके, सो दिस इज व्हाट इज हाउ वी हैव द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज बीइंग सेव्ड अप. यानी इंटेलेक्चुअल मतलब आपके जो क्रिएशंस है, आपके जो हार्डवर्क है, आपके जो एफर्ट्स हैं, ठीक है ना, आपने जो जो भी किए हैं, वट एवर कंट्रीब्यूशंस आ दें, दोज कंट्रीब्यूशंस आर बीइंग अपलोडेड ऑन टू द इंटरनेट, फ्रॉम वेयर वट एवर इंफॉर्मेशन आपको जो भी एक्सेस करना है वो आप एक्सेस कर सकते हो. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट इज एक नॉलेज मैनेजमेंट जो है, नॉलेज मैनेजमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. ओके, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फॉर व्हाट, फॉर सेफगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. ओके, फॉर सेफगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. आप देखो कभी भी अगर आप इंटरनेट अगर सर्च करते हो, कोई भी अगर ओल्ड डेटा अगर आपको चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, ओके, तो आपको तुरंत आपको वो चीज़ें एक्सेबल हो जाती है. लेट्स से दैट इज कोई लेट्स से दैट इज कोई लिटरेरी पर्सन है, यानी मान लो कि शेक्सपियर है. ओके, तो शेक्सपियर ने क्या किया था, ही वॉज अ पोएट. ओके, तो उन्होंने जो पोएम्स पहले जो लिखी थी है, उसको अभी भी कंजर्व करके रखे हैं. सो मोमेंट आप शेक्सपियर के बारे में कुछ भी अगर आप सर्च मारते हो गूगल पे, ओके, तो आपको पूरा एंटायरली पूरा उसका लिटरेरी वर्क्स दिख जाता है. अगेन लेट्स से दैट इज अगर आपको किसी पर्सन, लेट्स से दैट इज आइजैक न्यूटन या लेट्स से अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, बिकॉज दे वर ऑल्सो वन ऑफ द क्रिएटर, उन्होंने भी कुछ इन्वेंशंस किए थे, तो इन्वेंशंस के बारे में अगर आप उनको कुछ फॉर्मूलाज चाहिए या उनके जो सिस्टम थे उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तुरंत आप अगर आप गूगल पर सर्च मारते हो तो यू विल गेट व्हाट वर देयर वर्क, उन्होंने क्या काम किए थे, उनके काम करने का क्या तरीका था या क्या कायदा था, वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आपको अवेलेबल हो जाते हैं. नाउ दिस ऑल आर बीइंग पॉसिबल बाय, दिस इज बीइंग पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द गुड नॉलेज मैनेजमेंट system. So in this way, what is happening over here? Knowledge management system is being used in order to safeguard the intellectual property. Now we'll talk something called as a knowledge engineering for IT based services. Okay. So before this thing, we need to understand what exactly is a knowledge engineering.
ओके, हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि नॉलेज इंजीनियरिंग क्या होता है. ओके, सो नॉलेज इंजीनियरिंग इज व्हाट? व्हेन आई से दैट इज अ नॉलेज इंजीनियरिंग, नॉलेज इंजीनियरिंग इज अबाउट इंटेलिजेंटली डिस्फेरिंग हाउ अ ह्यूमन एक्सपर्ट इन अ स्पेसिफिक डोमेन वुड एक्ट एंड डिसाइड ऑन इशू अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, जस्ट वन मिनट. ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द नॉलेज इंजीनियरिंग. तो नॉलेज इंजीनियरिंग में क्या होता है, लेट्स से दैट इज एक पर्सन है. ओके, सपोजिंगली यू आर ओनली द पर्सन. ओके, आप किसी बच्चों को, लेट्स से आपको कोई सब्जेक्ट सिखाना है, सबसे पहले तो आप पढ़ोगे ना, आप पढ़ोगे एंड देन यू आर गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट और टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो व्हाट इज हैपनिंग, आप एक यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉलेज इंजीनियरिंग का पोर्शन जो है वो चल रहा है. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव डन, दैट इज यू हैव एक्सट्रैक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शंस ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक यू विल बी फाइनली डिलीवरिंग द लेक्चर टू द अदर पीपल. मतलब आपका जो नॉलेज आया है आपके पास, उसको पहले तो आप तो पहले उसको गेन करोगे, आप सबसे पहले आप उसको सीखोगे और सीखने के बाद आप सिखाओगे. तो ये क्या हो रहा है, दिस इज़ अ कॉल्ड एज एन अ नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस. सो इसीलिए इसमें कहा गया नॉलेज इंजीनियरिंग इज अबाउट इंटेलिजेंटली डिसिफेयरिंग हाउ अ ह्यूमन एक्सपर्ट इन अ स्पेसिफिक डोमेन वुड एक्ट एंड डिसाइड ऑन इशूज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. ओके, सो कहने का मतलब ये है कि लेट्स से दैट इज, अगर आपने सपोजिंगली आपने मैथमेटिक्स आपने सब्जेक्ट पढ़ा, आपने सम्स सॉल्व किया. ओके, सम्स सॉल्व करने के बाद आपको जो है चीज़ों के बारे में नॉलेज हुई. ओके, अब आपने जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसको आपने सिखाया. अब सिखाने के बाद कोई भी बच्चे को अगर सपोजिंगली कोई तकलीफ आ रही है रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स इन द मैथमेटिकल सब्जेक्ट, मान लो कि उसको प्रैक्टिकली सब्जेक्ट आप सिखा रहे हो, उसको कहीं तो भी ऐसा है उसको समझ में नहीं आ रहा है या किसी तरीके का डाउट्स है, तो वो डाउट्स के लिए आपको पूछेगा और फिर आप उसको सॉल्व करोगे. ओके, तो ये जो एंटायर प्रोसेस हो रहा है इसको नॉलेज इंजीनियरिंग कहा जाता है. इसको बोलते हैं नॉलेज इंजीनियरिंग. सो व्हाट इज द एम ऑफ द नॉलेज इंजीनियरिंग, द एम ऑफ द नॉलेज इंजीनियरिंग इज टू टैकल प्रॉब्लम्स एंड ऑफर सॉल्यूशंस टू इश्यूज दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सपर्टाइज. तो सिमिलरली अगर इंडस्ट्रीज में अगर हम इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन की जाए, ओके, वहां पे भी जो है नॉलेज इंजीनियरिंग होता है. ठीक है, बिकॉज लेट्स से दैट इज एक मैनेजर है, अभी ये मैनेजर क्या करता है, मैनेजर इंफॉर्मेशन देता है. अब सपोजिंगली कोई भी पर्टिकुलर वर्कर है उसको अगर समझ में नहीं आई तो ही इज़ गोइंग टू अप्रोच टू द मैनेजर, मैनेजर फिर बाद में उसको गाइड करेगा बेस्ड ऑन हिज नॉलेज थियरी. तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एन नॉलेज इंजीनियरिंग. ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट इज, अब ये नॉलेज इंजीनियरिंग तो हमको पता चल गया कि नॉलेज इंजीनियरिंग क्या होता है. अब ये नॉलेज इंजीनियरिंग जो है इसको आईटी बेस्ड सर्विसेज में इसका क्या रिलेशन है या कैसे इसको यूज़ करते हैं वो हम टॉपिक पे पढ़ेंगे. सो नॉलेज इंजीनियरिंग फॉर आईटी बेस्ड सर्विस, वी ऑल नो दैट इज आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब ये जो भी नॉलेज इंजीनियरिंग है इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंडस्ट्रीज में इसका क्या रोल होता है, सो इट हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले. इफ यू सी आज के टाइम पे अगर आप देखें कि आईटी सर्विसेज जो है ना इट इज ऑन द बूमिंग स्टेज. ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज बीइंग यूज्ड इन द आईटी इंडस्ट्रीज इज थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज के टाइम पे इसका सबसे बड़ा
सबसे डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है. ओके, नाउ इन व्हाट वे, व्हाट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सी, दिस इज अ टू वर्ड्स वी कैन सी, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इज व्हाट? आर्टिफिशियल मतलब समथिंग विच इज नॉट नेचुरल. इंटेलिजेंस इज व्हाट? इंटेलिजेंस मीन्स यूजिंग वंस यूजिंग वंस ओन ब्रेन इन ऑर्डर टू व्हाट? इन ऑर्डर टू कम टू अ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस. सो दैट इज व्हाट ये इंटेलिजेंस है. सो ह्यूमन ब्रेन इज एन इंटेलिजेंट ब्रेन. व्हाई? बिकॉज इट हैज द थिंकिंग एबिलिटी. ओके, क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने उसको सोचने की क्षमता दी है, सोचने की शक्ति दी है, जो कि हमारा ब्रेन जो है वो बाकी के जो जैसे जो एनिमल्स हैं, ओके, उनसे काफ़ी अलग हैं. व्हाई? बिकॉज वी हैव द थिंकिंग एबिलिटी. नाउ द थिंग इज दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन इंटेलिजेंस विच इज बींग यूज बाय द कंप्यूटर्स. ओके, अब कंप्यूटर्स को तो भगवान ने ब्रेन नहीं दिए, कंप्यूटर्स को बनाने वाला इंसान ही है. बट फिर भी अगर आप कोई भी चीज़ें अगर आप करते हो, ओके, कंप्यूटर्स में आज के टाइम पे आपने देखा हर चीज़ जो है ना एकदम नेचुरल हो गया है, हर चीज़ें जो है एकदम नेचुरल हो गया है. अब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है या आपके क्या इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें दिखाना स्टार्ट कर देगा. टेक फॉर एन एग्जाम्पल भैया, लेट्स से दैट इज़ आपने अमेजोन में कोई प्रोडक्ट आपने सर्च किया है. ओके, आपने कोई अमेजोन में कोई चीज़ें आपने सर्च की है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक शूज़ ही क्यों ना सर्च किया हो, ओके, आपको शूज़ खरीदना है या लेट्स से लेदर बैग्स खरीदना है, आपने उसके लिए सर्च किया. यू वॉन्टेड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ बैग विच हैड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ फीचर. आपने देख के तो उसको छोड़ दिया या आपने उसको ऐड टू कार्ट करके आपने उसको रख दिया. ओके, बट बाद में अगेन लेट्स से दैट इज थोड़े टाइम के बाद जब आप अगेन अमेजोन जब आप खोलोगे तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है ना ऑटोमेटिकली आप देखना वो बता दे जाएगा. दैट इज कंप्यूटर जो है वो आपको बता दे जाएगा. जैसे आप अगर कोई मान लो कि अगर आप कोई दुकान में जाते हो, दुकान वाले को तो आपको पूछना पड़ता है ना कि भैया मेरे को ये बैग मेरे को एक ख़रीदना है, ऐसे वाले बैग मेरे को बताओ. यहाँ पे वो पूछना भी नहीं पड़ेगा, एक बार आपने सर्च किया, अगली बार जब अगेन फिर आप वही चीज़ को सर्च करने जाओगे, ओके, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन दिखाना स्टार्ट कर देगा. वो बोलेगा कि पर्सन्स हु हैव परचेज दिस प्रोडक्ट हैव ऑल्सो परचेज दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, अब आप उसको देखोगे, आप बोलोगे यार ये तो अच्छी बात है ना, ये भी मैं ले सकता हूँ, या क्योंकि आपके पास फिर क्या होता है वो ऑप्शंस दिखाना स्टार्ट करते हैं. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज बीइंग यूज्ड अप. दिस इज अ काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू आर यूजिंग अप. इवन लेट्स से एक और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप यूट्यूब के कोई वीडियोज आप खोलते हो. ओके, लेट्स से आपने यूट्यूब का कोई वीडियो खोला एंड उसमें आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने सॉन्ग्स ही क्यों ना सर्च किया. लेट्स से आपने 90s के पुराने के कुछ सॉन्ग्स आपने उसमें सर्च विंडो पे आपने डाला कि बॉलीवुड सॉन्ग्स इन 90s, तो आपके रिलेटेड 90s सॉन्ग में जो जो आएंगे, या मान लो कि एक स्पेसिफिकली एक सॉन्ग आपने सर्च किया जो कि 90s के ज़माने के टाइम पे वो गाने चलते थे, तो जैसे ही आप सर्च करोगे तुरंत आप देखना आपके पास एक लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा कि 90s में ये गाने भी बने थे, 90s में वो गाने भी बने थे. तो ये सब क्या है, दिस आर ऑल अ सोर्स ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, सो व्हाट, अब हम बहुत बार हमें ऐसा होता है ना, देखो आप कभी भी कोई गूगल में अगर कोई चीज़ें आप सर्च मारते हो, ओके, वो सर्च का रिजल्ट भी जो है ना गूगल को मिल जाता है, या वो सामने वाले को भी बता देता है कि देखो
ये सर्चेस चल रहा है. दिस इज़ वॉट दिस इज नथिंग बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, देर आर सर्टन काइंड ऑफ अ मैथमेटिकल एल्गोरिदम टेक्निक्स विच आर बींग यूज अप. ओके, कुछ तरीके का एल्गोरिदम चलता है यहाँ पे. नाउ ये जो चीज़ें हैं, दिस आर अगेन मैनेज बाय वॉट, दिस आर अगेन मैनेज बाय द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. तो नॉलेज इंजीनियरिंग का आईटी बेस्ड सर्विसेज का के साथ भी काफ़ी इंटर रिलेशनशिप है. वाई? बिकॉज नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है ना, दिस विल बी मेनली इंक्लूडिंग ऑफ वॉट, इट विल बी इंक्लूडिंग ऑफ द नॉलेज एक्विजिशन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. एक नॉलेज एक्विजिशन है, देन इट विल बी इंक्लूडिंग ऑफ द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज वैलिडेशंस, इन्फ्रेंसिंग एंड एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन. ओके, तो नॉलेज इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, नॉलेज इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया नॉलेज इंजीनियरिंग क्या है, कि आपने कोई चीज़ें सीखा एंड देन अगेन यू हैव डिलीवर्ड इट टू सम पर्टिकुलर पर्सन. तो अब देखो, अब आईटी इंडस्ट्रीज का जो है इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, आईटी इंडस्ट्रीज का जो है, अभी जब से आईटी इंडस्ट्रीज आए हैं, नॉलेज इंजीनियरिंग और भी ईजी हो गया है. द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक द यूट्यूब एग्जाम्पल. ओके, तो आप पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले नॉलेज इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है यहाँ पे, सो 1 2 3 4 5. ओके, सो देर आर 5 स्टेप्स विच आर कमिंग अंडर द नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस. वन इज द नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि आप नॉलेज को आप कहीं से भी आप उसको लेते हो, या लेट्स से आप नॉलेज को एक्वायर करते हो. ओके, फिर एक्वायर करने के बाद व्हाट यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट. यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट मतलब आप प्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रेजेंट करते हो जो भी आपने नॉलेज गेन किया है. टेक फॉर एन एग्जाम्पल, आप लेट्स से अगर मैंने आपको ये कहा कि प्रेजेंटेशन आपको देना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने नोट्स को पढ़ोगे, अपने नोट्स को बनाओगे, और बनाने के बाद फिर क्या करोगे, आप प्रेजेंट करोगे, आइदर इट मे बी इन द वीडियो फॉर्म और आइदर इट मे बी ऑनलाइन. ओके, द चॉइस इज अप टू यू. तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हो गया, देन आफ्टर द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज बिंग डन अप, थर्ड प्रोसेस इन्वॉल्व, दट इज अ नॉलेज वैलिडेशंस. सो वैलिडेशंस का मतलब क्या है, कि हाउ ट्रू इज द नॉलेज. अब यहाँ पे जो है ना, जजमेंट ऑफ द नॉलेज हो जाएगा. ओके, जजमेंट ऑफ द नॉलेज हो जाएगा. अगेन वी हैव दैट इज अ नॉलेज वैलिड. तो एक तो ये कि वैलिडेट करना, व्हेन आई से दैट इज अ वैलिडेट करना, मतलब क्या हो रहा है इसमें, दैट इज जस्टिफाई करना. ओके, तो जब आप लोगों को बताओगे अपना, ओके, तो लोग उसको समझेंगे. ओके, समझने के बाद जो भी उनके डाउट्स हैं उसको वो क्लियर अप करेंगे. सो दैट्स कमिंग अंडर द नॉलेज वैलिडेशन. एंड फाइनली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, फाइनली दैट्स कम, आई मीन नॉट फाइनली, दिस इज अ सेकेंड लास्ट स्टेप, दैट इज अ इन्फ्रेंसिंग. सो इन्फ्रेंसिंग में क्या है, कंक्लूजन करते हो आप, हर चीज में कंक्लूजन होता है. ठीक है, तो कंक्लूडिंग होता है, एंड द लास्ट स्टेप इज एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन. ओके, एक्सप्लेनेशन एंड द जस्टिफिकेशन. तो जस्टिफिकेशन इज वॉट नाउ, जो भी आपने बताया है ये क्यों है, वॉट इज द रीजन. ओके, ओवरऑल आप उसको पूरा बताते हो. ओके, एंड देन यू आर गिविंग एन समरी आइडिया. वही, सो सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन द आई टी बेस्ड सर्विस. तो आई टी बेस्ड सर्विसेज में भी यही चीज़ें होती है. ओके, सो इट इज़ बीइंग गिवन, कपल नंबर ऑफ थिंग्स आर बीइंग गिवन, लाइक व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, के विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, ओके, देर आर वेरियस काइंड ऑफ डेटाज विच इज़ बीइंग जनरेट अप. ओके, एंड ये डेटाज जो है, इनमें भी एक अपना एक स्टैंडर्ड्स रहते हैं. ओके, सो दीज स्टैंडर्ड्स दे विल बी इंक्लूडिंग ऑफ द सेमेंटिक वेब और क्लाउड कंप्यूटिंग होंगे एंड ओपन डेटाबेसेस होंगे. ओके, सो दिस में एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. ओके, सो एंड बेस्ड अपॉन दिस थिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट इज द नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड अप. ओके, सो दिस इज व्हाट अ नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस इज ऑल अबाउट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो
we are going to start with the knowledge intensive business services. So knowledge intensive business services is what? When I say that is knowledge intensive business services, अगर आप ये तीन words को अगर आप अलग अलग करके आप अगर इसको सोचो तो पूरा meaning आपका clear हो जाएगा. That is knowledge intensive and business services. So this means what? That is whatever the business services is being provided up, okay, those are all knowledge based. Okay, so knowledge based जो या knowledge intensive business services जो है ना, they play a very important role. They play a very important role in providing a better solution to the business services. So nowadays you have so many kind of, you know, कुछ consultancy offices होते हैं, financial consultant होते हैं, research consultant होते हैं, okay, even you have the technological consultant. These are what? These are basically the service provider and they charge a fees from you. वो आपसे पैसे लेते हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं. तो बदले में वो क्या करते हैं? बदले में वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. सो सपोजिंगली लेट्स से इफ यू डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज, तो यू वुडंट बी एबल टू रन अप दोज बिजनेस, रन अप योर इंडस्ट्रीज. व्हाई? बिकॉज यू हैव नो काइंड ऑफ अ नॉलेज अबाउट दैट थिंग. सो नाउडेज इट हैज बीन एन इवॉल्विंग कंसेप्ट. तो आज के टाइम पे अगर आप देखो कि कितने सारे कंसल्टेंट ऑफिस होते हैं. इवन इफ आई से दैट इज अ टैक्स कंसल्टेंट, सो टैक्स कंसल्टेंट इज वॉट? अगेन दे आर ऑल्सो गिविंग यू सम काइंड ऑफ अ नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस सर्विसेज. व्हाई? बिकॉज अब इनके नॉलेज को ही आप यूज करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं ऐसा भी बोलता हूँ, जैसे किसी को अगर शेयर्स खरीदनी है, अब शेयर्स कैसे खरीदनी, कौन सी शेयर्स खरीदनी है या नहीं खरीदनी, इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू अप्रोच टू दीज काइंड ऑफ एन एजेंसीज, जो कि जिसको बोलते हैं कि रिसर्च एजेंसीज बोलते हैं. ओके, तो ये जो रिसर्च एजेंसीज हैं उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पीपल होते हैं. एंड यही एक्सपीरियंस्ड पीपल क्या करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन सी शेयर्स खरीदनी चाहिए इस टाइम पे और कौन सी शेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करनी चाहिए. फिर आपको कौन से टाइप ऑफ शेयर ट्रेडिंग करनी चाहिए, आई मीन टू से दैट इज आपको लॉन्ग टर्म हिसाब से देखना चाहिए या शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखना चाहिए. तो वॉट आर दीज पीपल दे डूइंग? दे आर ऑल गिविंग यू द नॉलेज. दे आर ऑल गिविंग यू द नॉलेज. ओके, तो इसी नॉलेज के बेसिस पे क्या करते हैं आप? इसी नॉलेज के बेसिस पे आप अपने एक्टिविटीज करते हो. ओके, सिमिलरली लेट्स से दैट इज आप अगर मान लो कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप मान लो अगर आपको कोई LIC पॉलिसीज लेने हैं तो आप एक एजेंट को अप्रोच करोगे. सो दीज आर व्हाट? दे आर ऑल प्रोवाइडिंग यू द नॉलेज. एंड आज के टाइम पे जो है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है. इकोनॉमिक्स में भी इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है. क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके का सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है. एंड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है ना, दे हैव स्टार्टेड फ्लरिशिंग इट एट एनी हाउ. ओके, सो दिस इज वॉट वी आर हैविंग अबाउट द नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस सर्विसेज. ओके, सो इट इज फ्लरिशिंग एज आई सेड यू. ओके, ये जो है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, सो अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से दैट इज आई गिवन यू द एग्जांपल आल्सो ओवर हियर. लेट्स से दैट इज ट्रेडिशनल सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्टिविटीज लाइक मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, डिज़ाइन, लीगल सर्विसेज. ओके, ये सब सर्विसेज पहले थे. अब नॉलेज इंटेंसिव बेस्ड सर्विसेज क्या एक्टिविटीज़ हो गए, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर एंड डिज़ाइन है, या टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, या R&D कंसल्टेंसी हो गया. ओके, सो दीज आर
all coming under the technology based knowledge intensive business services. KIBS stands for knowledge intensive business services. Nowadays what is happening over here ke jo bhi purane jo based services the, jaise ki main bola financial consultant hai ya advertising agencies hai, ab wo sab merge ho rahe hain into what, into the technological based KIBS. So even after, let's say that is jo digital marketing hai, what is this thing, if I say digital marketing, digital marketing is also using the same technology of knowledge intensive business services. ओके अब आप देखो कि पहले जितने लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं रहता था, ओके आज हर जगह पे डिजिटल टेक्नोलॉजी या इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, दैट इज़ हर चीज़ का मालूम जो है वो इवन विद इन वन मिनट और विद इन फाइव मिनट्स के अंदर आपको सब चीज़ें पता चल जाता है. ओके सो अगेन व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस सर्विसेज के वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ा है. व्हाई, बिकॉज देयर हैज़ बीन कंटिन्यूअस लर्निंग विच इज़ बीइंग टेकन प्लेस. ओके सो वन डेफिनेशन विच इज़ बीइंग गिवन बाय द हार्वर्ड बिजनेस ऑनलाइन एपिटोमाइजेस का मतलब स्ट्रेस कर दिया, बताया उन्होंने कि व्हाट इज़ एन KIBS. ही सेड दैट इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस सर्विसेज is that clients routinely play a critical role in co-producing the service solution along with the service provider. Okay, so this can have a profound effect on both the quality of the services delivered as well as the client ultimate satisfaction with the knowledge based service solution. So by strategically managing client co-production, service providers can improve the operational efficiency, develop more optimal solutions and generate a sustainable competitive advantages. So इन्होंने ये कहा है कि in short मैं आपको समझा देता हूँ कि knowledge intensive business services क्या करता है, they are also producing services, यानी services देना. वो services किस तरीके का service देना, that is quality based services जब दिया जाएगा तो इसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होगा, इसका ह्यूज इफेक्ट होगा, जिससे कि जो भी क्लाइंट है या जो भी कस्टमर है दे विल गेट द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन. एंड अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन अगर मिलेगा तो इससे क्या होगा, दैट इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगा. जो भी आपको जिस भी तरीके का आपका प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे एंड इससे कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी बढ़ेगा. सो यू विल गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑल्सो ड्यू टू द नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस सर्विसेज.
अगर आपका आपको मेरे लेक्चर अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन, नीचे दिए गए लाइक बटन को आप प्रेस कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एज़ वेल एज़ जो भी बेल बटन जो नीचे दिए गए हैं उसको भी आप प्रेस कर दीजिए अगर आप नए आए हो तो इससे आपको मेरे हर नए आने वाले वीडियो जो है आप तक पहुंचेंगे, जिससे कि आप उसका यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।